पश्चिम चंपारण दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने चुनपटिया बाजार समिति परिसर में स्टार्टअप जोन का निरीक्षण और परिभ्रमण किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से उद्यमियों को हर संभव सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम नीतीश ने पश्चिम चंपारण स्थित मदनपुर वाल्मीकि नगर पथ का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पथ निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा करें ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने आशा व्यक्त की है कि नया साल 2021 राज्य और देशवासियों के लिए सुख शांति सद्भाव और समृद्धि का वर्ष साबित होगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने राज्य में बढ़ रही रेप की घटना को चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे मामलों में आंकड़े बढ़े हैं तो यह बहुत निंदनीय है। झारखंड सरकार के एक साल पूरे होने पर आरजेडी ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों की सराहना की। वहीं इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आरजेडी ने केंद्र सरकार पर राज्य की सरकार की मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया। कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि टुसू मेला आयोजित करने की इजाजत दी जाए। संगठन के लोग सीएम से मुलाकात कर इस संबंध में गुजारिश करेंगे। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में हिंदू वरवधु की शादी बौद्ध रीति रिवाज से हुई। महज 2 घंटे में हुई इस शादी की रस्म को बौद्ध धर्म गुरुओं की 5 सदस्यीय टीम ने कराया संपन्न। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। नेशन न्यूज के पड़ताल का कमाल। साल के अंतिम दिन में मुंगेर जिला के संग्रामपुर ब्लॉक में वीडियो के दफ्तर में लटका दिखा ताला। लोगों का आरोप, वीडियो घर में ही चला रहे कार्यालय। आप जो है संग्रामपुर वीडियो जो है आज तक जो है साल भर में 365 दिन होते हैं, छुट्टी को छोड़ के किसी एक दिन जो है वो जो है पूरे कार्यकाल का जो मैंने 8 घंटा जो ड्यूटी है वो ऑफिस में बैठते नहीं है। वो गोपनीय शाखा घर पे ही चलाते हैं, डेरा पे ही वो अपना आवास पे ही रखते हैं और वहीं सबको जो है बुलाते हैं। यहाँ जो ऑफिस में आते वो नहीं है। पूर्णिया के मोहनपुर ओपी इलाके में जमीन की जंग को लेकर चली कई राउंड गोलियां। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। ये मोहनपुर ओपी है, इसका क्षेत्र है जिसका नाम है जंगल टोला। इसका घेरा क्षेत्र है, वहाँ पर जमीन बहुत सारे जमीन है जो कि विवादित है। कुछ जो मालिक है जो कि अपना जमीन जोतना चाहते हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, ये लोग उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इसकी शिकायत रही है हमेशा। इस बार ये इसी की शिकायत पर हमारे थाना प्रभारी के जो दस्तीदल है वो गए वहाँ, उन्होंने छापेमारी की और इनको पकड़ा। मुजफ्फरपुर में कोरोना को देखते हुए पार्क में नहीं होगा नए साल का जश्न। नगर निगम की तैयारी है पूरी। जिला प्रशासन के अंतिम निर्णय का है इंतजार। जमुई के झाझा पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के बाइक चला रहे चालकों से पुलिस ने वसूला जुर्माना। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा मंडी जूरन छपड़ा में अफरा तफरी का माहौल। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और चिकित्सा कर्मी की आपस में भिड़ंत। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। अब किसानों को नहीं देना होगा बिचौलियों को धान। बिहार सरकार हुई सख्त। 29 से 31 दिसंबर तक किसान सलाहकार हर गांव पहुंचकर किसानों की सूची करेंगे अपलोड। किसान चाहते हैं वहां क्रय में बेचना चाहते हैं धान को, वहां हमारे किसान सलाहकार 1 तारीख से 10 तारीख तक प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे और उस किसान का धान सुरक्षित रहेंगे। नए साल को देखते हुए मुंगेर के तारापुर में डीएसपी एवं थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर धोबई गांव में की छापेमारी। इस दौरान पुलिस ने मौके से 44 लीटर अंग्रेजी शराब को किया बरामद। वहीं पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपियों को भेजा जेल। सरायकेला खरसावा गीचागढ़ और तेरुलडी थाना क्षेत्र के कई गांवों में हाथियों ने झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने फसलों के साथ साथ कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जमशेदपुर में एक बार फिर नेशन न्यूज की खबर का असर हुआ है। बता दें कि खेत के ऊपर बिजली का तार होने से किसानों को भारी समस्या हो रही थी। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बिजली विभाग ने तारों को जमीन से 5 फीट के ऊपर करने का फैसला लिया है। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के इमली चौक के पास एक बुजुर्ग महिला का लावारिस से शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि ठंड की वजह से महिला की मौत हुई है। बाढ़ के मुखिया मनोज राम ने स्थापित किया कीर्तिमान। गरीब गुरबों के बीच लगातार 8वें दिन बांटे कंबल। शहर में गाँव में तो बांट दिया, शहर में बांट रहे हैं, मतलब यहाँ भी गरीब लोग हैं, असहाय गरीब लोग हैं। देखते हैं बहुत सारा जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, ठंड में ठिठुर रहा है, इसलिए सोचे कि शहर में भी बांट देते हैं। इसीलिए शहर में कितना कम्बल शहर में बांटा जाएगा? करीबन 500।
जमुई में आगामी 15 से 17 जनवरी को नागी डैम पर होगा राज्य स्तरीय पक्षी अभयारण्य महोत्सव का कार्यक्रम। इस दौरान वरीय पदाधिकारियों ने नागी डैम पहुंचकर किया निरीक्षण। सरायकेला खरसावा केचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू और सोडो पंचायत सचिवालय में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को संपत्ति बंटवारे की पूरी जानकारी दी। झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस ने इस्कॉन के प्रोफेशनल के साथ मिलकर साल के अंतिम दिन समावेशी शिक्षा में प्रोफेशनल कांग्रेस और उनके योगदान को भागवत गीता के माध्यम से सामने रखा। इस मौके पर इस्कॉन के प्रोफेशनल ने भागवत गीता का प्रवचन किया। हजारीबाग में लोगों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय की 122वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही गरीबों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। चांडिल के श्री श्याम कला भवन में सभी श्याम भक्त बाबा श्याम के साथ नववर्ष मनाएंगे। क्षेत्र के सुप्रसिद्ध गायक रवि शर्मा, अशीत मोदक, सुभाष शर्मा, रामू खां, पवन झा सहित अन्य भजन गायकों के द्वारा भजनों की अमृत गंगा प्रस्तुत की जाएगी।